क्या रोवर प्रज्ञान को चांद पर दिखे एलियंस? चंद्रयान 3 रोवर और एलियंस का आमना सामना। तेजी से फैल रही खबर, सच या झूठ? 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर दिखाई दे रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि चांद के भीतर क्या है, क्या वहाँ एलियंस हैं? ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, और साथ ही मेन बड़े बड़े भारतीय न्यूज चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि रोवर प्रज्ञान को चांद पर घूमते हुए एलियंस दिख गए हैं। शायद ऐसी ही खबर आपने भी कहीं देखी होगी, लेकिन क्या ऐसा सच है या फिर इनका व्यूज बटोरने के लिए फैलाया हुआ झूठ? चलिए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है, और साथ ही जानेंगे चांद पर एलियंस की थ्योरी में कुछ दम है भी या नहीं। क्या सच में चांद पर एलियंस रहते हैं या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं? रोवर प्रज्ञान को एलियंस मिलने की खबर महज एक झूठ है। इसरो की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है जिसमें उसने ये कहा हो कि चंद्रयान 3 के रोवर को चांद पर एलियंस दिखाई दिए हैं। ऐसे थंबनेल्स और टाइटल्स सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए हैं, लेकिन चांद पर एलियंस होने की बात सच है या झूठ, ये एक अभी रिसर्च की बात है। आइए अब जानते हैं उन सभी राज के बारे में जो चांद पर एलियंस के होने का शक गहरा करते हैं। साल 1969 में पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। साल 1972 के बाद ये सिलसिला थम गया। तब से कोई भी इंसान चंद्रमा की धरती पर नहीं उतरा। इस बात ने कई वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। इसी बीच अपोलो 11 मिशन यानी चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इन रील्स में मून वॉक से लेकर वापसी और चांद के ओनो कोनों की वीडियोस थी। इन्हीं टेप्स के गायब होने के बाद ये थ्योरी आई। कहा गया कि शायद टेप में कुछ ऐसा था जो चंद्रमा की असलियत थी। शायद चांद पर बहुत कुछ अलग था, या शायद वहाँ एलियंस रहते हों। तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वो चेहरा दिख रहा है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोनों में छिपे हैं राज। राज एलियंस के और मिसिंग टेप्स की कहानी वही है। जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वालों ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टेप जानबूझकर गायब कर दिए गए। वजह है कि उनमें चांद से जुड़ा खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जब चंद्रमा पर उतरे तो वो अकेले नहीं थे, वहाँ उनका सामना हुआ एलियन से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी भी दी थी। चूंकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काट कर अलग कर दिया। तो टेप्स एडिट होकर गायब हो गए और वो सच वहीं छिपा दिया गया। लिहाजा अमेरिका ने असल टेप छिपाकर उतना ही दिखाया जितना जरूरी लगा। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट के मुताबिक चांद का बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमें पता लगा। ये असल में भीतर से खोखला है और वहाँ गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यता रहती है। अपोलो मिशन के दौरान कई सीज़मोमीटर और उपकरण छोड़े गए थे चांद पर। इनका मकसद था भीतरी हलचल का पता लगाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन उपकरणों ने चांद की सतह के नीचे 700 किलोमीटर तक भूकंप को नापा, वाइब्रेशंस नोट किए। यहाँ तक सब सामान्य था,
लेकिन सतह से केवल 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई पड़ी जो हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों को किसी घंटी जैसी आवाज सुनाई पड़ी। आप घंटी को उठाकर एक बार बजाइए, उसके भीतर खोखले आकार के चलते आवाज देर तक गूंजती रहती है। कुछ वैसा ही रिकॉर्ड किया था मशीनों ने। इस तरह की आवाज खोखली या कम डेंसिटी वाली जगहों पर ही सुनाई देती है। तो चांद के खाली हिस्सों में क्या होगा? कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी हमें जानकारी नहीं है। दावा किया जाता है कि चांद के भीतर जो विशालकाय गड्ढे हैं, उन्हीं में एलियंस की बस्तियां होंगी। कॉन्स्पिरेसी पर भरोसा करने वाले वैज्ञानिक बड़ी संख्या में हैं, जो मानते हैं कि साल 1972 में आखिरी बार चांद पर जाने के दौरान एलियंस ने अमेरिका को या तो चेतावनी दी होगी या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बाद टेप गायब हुए और फिर कोई दोबारा वहां नहीं गया। लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद हैं, वो भी हमारे ब्रह्मांड में। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए, लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकता है सच बोलने से। क्या पता अब चल रहे मून मिशन उन रहस्यों से पर्दा उठा सके। आपको क्या लगता है, चांद या पूरे ब्रह्मांड में कहीं एलियंस हैं या नहीं? नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।